दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यावर्त, उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। ये शब्द हैं भारत की महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की अस्मिता और गौरव को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, परंपराएं और मान्यताएं खोखली हैं, यहां तक कि भारतीयों का पहनावा, उनका खान पान, बोली भाषा सब क्षुद्र है। उन्हें आगे बढ़ना है तो अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, गोरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। अंग्रेजियत का यही अंधा मोह इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती गोरी चमड़ी का ये काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो, और यहीं से ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। यही कारण था कि फिरंगियों की भवें स्वामी जी पर सदैव तनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेजी राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, तब स्वामी जी खुलकर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहां से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन वाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। स्वामी जी कहते थे, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। इसलिए जागो भारतीयों, रहो चाहे जहां, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने साहित्य और अपनी महान विभूतियों पर सदैव गर्व करते रहो। आज परम आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, यारों दोस्तों से इसकी चर्चा करें, घर परिवार में बच्चों को बताएं कि आज का दिन कितना शुभ है और क्यों शुभ है। हम अपने महानायकों को जीवित रखेंगे, तभी हमारा भारत जीवित और जागृत रहेगा।